कुदरत के तोहफे, खुशनुमा फूलों की दिलफरेब महक से इंसानी बीमारियों के इलाज को अरोमा थेरेपी कहा जाता है। माहरीन के मुताबिक दो दौरे हाजिर में हर दूसरा शख्स जहनी परेशानी का शिकार है। अगर दिमाग को मुअत्तर करने वाले ऑयल और दीगर मसनूआत का इस्तेमाल किया जाए तो सेहतमंदाना जिंदगी मुमकिन है। लाहौर से असद खान की रिपोर्ट। खुशबू हमारे मिजाज, सेहत और माहौल पर असरअंदाज होती है। अरोमा थेरेपी इलाज में खुशबूयात और इनके अरकियात को जिस्म के अलावा लिबास और बिस्तर पर लगाया जाता है। ये अमल इंसान को मुसरत फराहम करने के अलावा मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफियत पैदा करता है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान सर्टिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट नजम मजारी कहते हैं कि ये तरीका इलाज कुदरत के करीब तर है, जो कि बगैर किसी मुजिर असर काम करता है। स्ट्रेस और एंजाइटी को खत्म करने में अरोमा थेरेपी का बहुत बड़ा रोल रहा है। फिट और स्मार्ट रहने के लिए एसेंशियल ऑयल्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में, जिसमें कि रोज आता है, जिसमें कि लेवेंडर आता है जो कि आपके लिए नींद के लिए अच्छा है। रोज आपके जो है आपके दिमाग को तरोताजा रखता है। शहरियों का भी मानना है कि खुशबू से भरपूर ऑयल न सिर्फ मिजाज को खुशगवार बनाते हैं बल्कि कई जिस्मानी तकालीफ से निजात दिलाने में मददगार साबित होते हैं। इतना ज्यादा इंसान थक जाता है, प्रेगनेंसी अगर एड ऑन होते हैं, जब आप एक अच्छे एनवायरमेंट में बैठ के काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन अच्छे तरीके से वर्कआउट करता है। ग्रैनिक ऑयल या इंग्रेडिएंट्स अगर आपको अवेलेबल होते हैं, आपका माइंड उससे और ज्यादा फ्रेश हो जाता है, आपका हार्ट बहुत अच्छा रहता है। नफसियाती तनाव, डिप्रेशन, जिस्मानी दर्द के इलाज और जहनी सुकून के अलावा अरोमा थेरेपी का रुझान दुनिया भर में बढ़ रहा है। कैमरामैन इकबाल सिंधु के साथ असद खान, हम न्यूज लाहौर।